अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। मैं अभी हम उठ गए, आइए नेक्स्ट डे है। देख लो, मैं डेली ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। तो हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट में। मैं आपको थोड़ा सा रेस्टोरेंट दिखाती हूँ। यहाँ पे इसी तरह के ही रेस्टोरेंट होते हैं, क्योंकि मतलब फाइव स्टार रेस्टोरेंट नहीं है, वो भी हलाल। ये देखें, यहाँ पे इसी तरह के रेस्टोरेंट होते हैं और यहाँ पे हम लोग आके अपना हलाल फूड इंजॉय करते हैं। लाइक इन्होंने साथ छोटा सा ग्रोसरी स्टोर बनाया होता है। ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा टूर दिखाती हूँ इसका। और यहाँ पे अगर हमें किस्मत से अपनी कोई चीज़ मिल जाए ना, लाइक कोई पाकिस्तानी, तो यकीन करें इतना ऊंची शोर मचाते हैं हम कि वाओ। लेकिन क्या कर सकते हैं, जस्ट लाइक मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जस्ट लाइक दिस, शान के मसाले ये मिल जाए, हम कहते हैं यार ये ले लेते हैं, और ना पाकिस्तान जैसे टेस्ट आएगा। हर चीज़ में हम पाकिस्तानी टेस्ट ढूंढ रहे होते हैं, उस तरह मतलब पाकिस्तान की बुराइयाँ भी हम कर रहे होते हैं, लेकिन इनके टेस्ट की तो फिर क्या बात है। तो बस यहाँ पे यही कुछ होता है, और साइड पे इन्होंने थोड़ा सा अपना बनाया होता है। तो हम लोग आते हैं और नाश्ता वगैरह कर लेते हैं यहाँ पे। हमने सब कुछ खा लिया है, इतने मज़े के पाए थे। वो आपको पता है, मैं न्यू ब्लॉगिंग स्टार्ट किया तो मुझे पता नहीं चला कि खाना भी रिकॉर्ड करना था। बहुत मज़े के थे, लेकिन ये खाने के बाद का हाल है। और हाँ, मैंने अपने हस्बैंड से कहा था मेरा एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर दें, और उन्होंने क्लिप रिकॉर्ड किया। मैं आपको दिखाती हूँ उन्होंने क्या रिकॉर्ड किया। जस्ट एक पिक्चर, दैट्स इट। हम यहाँ से ही कुछ चीज़ें वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि फिर हलाल स्टोर मुश्किल से मिलते हैं। सो जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लेते हैं। दिस वन देखे ना, शान यहाँ पे भी मिलता है हमारे। और अचार ले लेती हूँ। बाकी हमने दूसरे स्टोर पर तेरे बेटे रोके दिखाएं। चलिए जी, अब हम अपनी सेकंड डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, और म्यूजिक के साथ मैं आपका वेलकम कर रही हूँ। और अब हम जाके मिलते हैं अब आपसे। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाली हूँ। गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी है, अब हम जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ पे ना पार्किंग का बहुत इशू है। वो आपको रेड लाइन नज़र आ रही है, आप रेड लाइन में नहीं लगा सकते। तो ज़्यादातर रेड लाइन ही होती है, तो हम नहीं लगा सकते वहाँ पर। तो इसलिए अब हम पार्किंग दूर लगा के आए हैं। 7 मिनट्स की वॉक है। शोर की आवाज़ आ रही है आपके पीछे से, अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि ये शोर की आवाज़ क्या आ रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या क्या दिखाऊँगी यहाँ पर। तो जो जो मुझसे हो सकता है ना, मैं वो दिखाऊँगी। अभी हम जा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे गोल्ड की मार्केट में आ गए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे आर्टिफिशियल है, बट इट इज़ अ गोल्ड। तो हम यहाँ पे गोल्ड की मार्केट विज़िट करने आए हैं, और देखते हैं मुझे क्या पसंद आता है और मैं क्या लेती हूँ अपने लिए। इट्स अ टू बिग, भगवान बड़े बाजार जितनी बड़ी है। काफ़ी बड़ी बाजार, मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ ना पाकिस्तान में, वहाँ पे बहुत बड़ा बाजार है, तो वैसे लग रहा है। अब देखिए, मैं गोल्ड की मार्केट में वीडियो बना रही हूँ और कोई मुझे देख नहीं रहा, कोई मुझे कुछ नहीं कह रहा कि जी हमारा डिज़ाइन कॉपी हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं यहाँ पे, और मतलब इतनी थोक के हिसाब से पड़ी हुई हैं कि वो लग ही नहीं रहा कि गोल्ड है। इट्स टू बिग मार्केट, टू बिग, ये वहाँ तक सारी मार्केट, और इनके अंदर डिफरेंट शॉप्स हैं। व्हाट, शेजिल ने रोना शुरू किया हुआ है, तो इसलिए मैं उनसे थोड़ा आगे हूँ। मैं अब आपको फ्रॉक्स दिखाती हूँ। यू हैव अराइव्ड।
जैसे लड़कियों को फ्रॉक्स वगैरह का बहुत शौक है। Yay! Wow! Hi! Oh my God! Oh my God! वैसे तो मेरी शादी हो गई है, लेकिन फिर से हम लेने की कोशिश करते हैं। शाज़ी चले चले बाय। जैसे कोई इवेंट आएगा मेरे भाई का या मेरी आपी का, तो मैं ये ज़रूर ज़रूर रेडी करूँगी, आप देखिएगा। तो वो देखिए ना, वो साइन आ गया, अब हमने यहाँ से रोड क्रॉस करनी है। अब हम एक मार्केट में जा रहे हैं, आई थिंक यहाँ पे कुछ सेल लगी हुई है, तो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से मुझे क्या क्या पसंद आता है। 200 यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, सब कुछ है। आई थिंक डांस खत्म हो गया, शिट हम लेट हो गए। हाँ लेट्स गो। यहाँ पे अगर डांस हो रहा था, आई थिंक खत्म हो गया। यहाँ पे तो पहले डांस हो रहा था, तो फिर अब खत्म हो गया। चढ़ाई चढ़ गया है हम ऊपर, जाके अपनी गाड़ी में बैठेंगे। बहुत थक गई। एक हमारे घर के पास ये भी स्टोर है, जो मतलब बिल्कुल ज़्यादा ही पास है। अक्सर हमें आटा वगैरह लेना हो तो हम यहाँ से ले लेते हैं। अभी फैसल अंदर लिए थे और कुछ आटा, और मतलब मैंने कुछ स्नैक्स वगैरह अपने लेने थे वो मंगवाए, और ये शेजल सो रही है इसलिए मैंने तो लेकिन स्नैक्स हम रात, लाइक मेरा दिल करता है टेंडर बॉब्स और ये वो, तो वो हलाल जगह से लेने होते हैं, तो वो नहीं है। अब हम जा रहे हैं घर, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। जो हमने शॉपिंग की थी ना, उसकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी जो मैं आपको दिखाना ही भूल गई थी। तो ये मेरी बेटी का हमने टॉय लिया है, बिकॉज अगर हमने शेजिल के लिए कुछ डिनर लिया तो मतलब मज़ा ही नहीं आता यार शॉपिंग करने का। मैं इसको ना ऐसे करेंगे ना तो ये बोलता है, यू नो आई लव डॉग्स, मुझे डॉग्स बहुत पसंद है। तो इसको मैं आपको ऑन करके दिखाती हूँ। अभी मैं इसलिए बंद कर चुकी हूँ क्योंकि शेजल सो रही है, और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग सो रहे हैं कि आप, मैं आपको और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और अमेरिका की लाइफ के बारे में बताऊँ कि यहाँ पे लोग कैसे हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, सब कुछ, तो आप मुझे बताएं तो मैं आपसे सब कुछ शेयर करूँगी। और अगर आप मतलब कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, आप मुझे अपने आइडियाज़ दें, मैं उस तरह आपको वीडियो बना के दिखाऊँगी और यहाँ की हर चीज़ के बारे में बताऊँगी। तो मतलब आजकल तो हर किसी को वीडियोस बनाने की या हर कोई व्लॉगिंग कर रहा है, तो मैंने सोचा मैं क्यों नहीं यार, मेरे पास बहुत टाइम होता है बहुत, तो इसलिए मैंने व्लॉगिंग करना शुरू किया। और मेरे हस्बैंड ने मुझे चैलेंज दिया है, कि तुम डेली व्लॉगिंग करो एक साल। तो मैं ना मां सफदर को बहुत देखती होती हूँ, मां सफदर को भी चैलेंज मिला था एक साल का और वो फेमस हो गया, तो मैं अपने आप को भी चैलेंज देना चाहती हूँ कि तुम फेमस हो सकती हो कि नहीं। तो ये भी एक तरीका है अपने आप को देखने का। सो मैंने आज से मतलब व्लॉगिंग करना शुरू कर दिया है, आज से नहीं बल्कि कल से, आप मेरा ब्लॉग देख चुके होंगे, तो ऐसे ही मेरे ब्लॉग आते रहेंगे और आप इन्जॉय करेंगे उसको, होप सो। तो
इंशाल्लाह मिलते रहेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह मुझे हिम्मत दे इंशाल्लाह। सबसे इम्पोर्टेंट बात कहना तो बोल ही गई, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर। आपका कुछ भी नहीं जाएगा यार, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।